इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर की जनता को कई सौगात दी है, साथ ही खेल मैदान का भी उद्घाटन किया है। सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर पलटवार भी किया है और कई मुद्दों पर जयराम ठाकुर को जमकर घेरा है। क्या प्रयासरत है सुंदर बनाने के लिए कई वार्डों में कई योजनाएं शुरू की गई है। ये स्कूल का ग्राउंड जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आया था उस समय कीचड़ से भरा हुआ तो बराबर भी नहीं था, और मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है। उस संदर्भ में मैंने उसी दिन सोचा था कि इस ग्राउंड का जीर्णोद्धार करना है, और शुरुआत हो चुकी है। अच्छा ग्राउंड बनेगा, यहाँ बच्चों को खेलने को अच्छी घास उगेगी। इसी तरह कुछ छोटे छोटे जो हमारे सारे तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब आज के उद्घाटन है, और मेन मकसद हमारा हमीरपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसको स्ट्रेंथन करना है। जो पेशेंट आते हैं उनका किस प्रकार से हमने इलाज करना है, उस मकसद से हम आज की मीटिंग में इम्पोर्टेंट है। काम करने पड़ते हैं, वो तो झूठ ही बोलेंगे, वो तो झूठ के सौदागर है। आप बताइए, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति इतनी बड़ी कमजोर है, और अनुराग ठाकुर भी आके ये बोलते हैं कि हाँ, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के, और वे यही से पूछ लेते कि हमारी ट्रेजरी का क्या हाल है। तो ऐसी झूठी बातों से राजनीति करने की ऐसे उनकी लोगों को बोलना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि आंकड़ों के आधार पर बात की जाए, और जो 85,000 करोड़ जयराम जी कर्जा छोड़ के गए हैं हम उससे भी निपट रहे हैं, 10,000 करोड़ की जो सरकारी कर्मचारियों की लाइबिलिटी छोड़ के गए हैं उससे भी निपट रहे हैं। तो पता नहीं कहां कहां से ऐसे शब्द ढूंढ के ले आते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो बीजेपी जो है ना वाफ लाने का ज्यादा काम करती है, काम करने का काम करती है। काम हम कर रहे हैं ना, देखो आपका झांसी पार्क अच्छा बन रहा है, ये ग्राउंड अच्छा बन रहा है, और भी अच्छे बन रहे। गांधी चौक नहीं सुझा अभी तक इतने सालों से, सब सुंदर चीजें हम बना रहे हैं। और हम, मेरा ध्येय सिर्फ काम करना है, मेरा ध्येय सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है।